नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 9 सितंबर को रिलीज होने वाली मच अवेटेड भव्य बड़े बजट की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के बारे में लेटेस्ट न्यूज क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, आपका सहयोग आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा एक बहुत बड़े बजट की भव्य फिल्म है जिसमें शानदार VFX का यूज किया गया है। दरअसल दोस्तों ये एक माइथोलॉजिकल एडवेंचर थ्रिलर है जिसकी स्टारकास्ट बड़ी ही अमेजिंग है। इसमें आपको रणवीर कपूर तथा आलिया भट्ट प्रमुख भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों महानायक अमिताभ बच्चन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा शाहरुख खान भी इस फिल्म में एक कैमियो रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों इन सब के अलावा आपको साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन भी नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों डिंपल कपाड़िया तथा मौनी राय भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आने वाली है। तो दोस्तों बड़े भव्य बजट की फिल्म में काफी बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार किया जा रहा था। फिल्म को कई वर्षों से बनाया जा रहा है और बहुत अथक प्रयास के बाद ये फिल्म बनकर के तैयार हुई है। माइथोलॉजिकल एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है और काफी जबरदस्त इसके प्रमोज लग रहे हैं, लुक्स बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। अभी हाल ही में महानायक अमिताभ जी का एक लुक जारी किया गया था और वो लुक लोगों को काफी पसंद आया, काफी जबरदस्त लुक में अमिताभ बच्चन इसमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर फिल्म का क्रेज काफी है, फिल्म की हाइप काफी ज्यादा है। तो दोस्तों इस फिल्म के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स क्या है इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों साउथ के दिग्गज निर्देशक बाहुबली फेम RRR जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके SS राजामौली इस फिल्म को हिंदी के अलावा जो साउथ की जितनी भी लैंग्वेजेज है उनमें भी तो फिल्म रिलीज की जा रही है, तमिल तेलुगु आदि भाषाओं में भी फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। तो वहां पर SS राजामौली इस फिल्म को प्रेजेंट करेंगे और प्रमोशन करेंगे। अब दोस्तों आप जानते हैं कि SS राजामौली का इस फिल्म के साथ जुड़ना मेकर्स को कितना बड़ा फायदा देने वाले है, क्योंकि SS राजामौली का जो साउथ में जो रुतबा है, जो प्रतिष्ठा है, जो इज्जत है, जब ब्रह्मास्त्र फिल्म के साथ SS राजामौली का नाम जुड़ जाता है तो साउथ में फिल्म के कलेक्शन में जरूर फायदा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जब SS राजामौली की फिल्म बाहुबली रिलीज हुई थी तब हिंदी वर्जन का प्रमोशन करण जौहर ने किया था, करण जौहर ने हिंदी में फिल्म को प्रेजेंट किया था, शायद इसीलिए SS राजामौली ब्रह्मास्त्र को साउथ में प्रमोट करेंगे, साउथ में प्रेजेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों केवल एकमात्र यही रीजन नहीं है कि SS राजामौली इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है, दूसरा रीजन ये है कि उन्हें फिल्म का सब्जेक्ट काफी पसंद आया है, साथ ही अयान मुखर्जी के डायरेक्शन से भी वो काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं, इसके कारण SS राजामौली फिल्म को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दूं कि फिल्म का जो ट्रेलर है वो 15 जून को रिलीज किया जाएगा एक बहुत बड़ी इवेंट के साथ। तो ट्रेलर का सभी लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेलर देखने के बाद में फिल्म के बारे में हमें काफी कुछ और जानकारी मिल सकती है, क्या क्या फिल्म में होने वाला है इसके बारे में काफी कुछ रिलीव इस ट्रेलर से हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको भी जानकारी दे दूं कि एक और साउथ के जो एक और बड़े सुपरस्टार है चिरंजीवी, उनका भी हो सकता है कि फिल्म के साथ जुड़ा हो जाए, वो भी फिल्म के प्रमोशन में शायद नजर आए। क्यों दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिल्म के जो डायरेक्टर है अयान मुखर्जी अभी कुछ दिन पहले ही हैदराबाद जाके आए हैं और वहां उन्होंने चिरंजीवी से मुलाकात की है, तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चिरंजीवी भी जरूर फिल्म के साथ जुड़ेंगे और फिल्म को साउथ में प्रमोट करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए ये एक और बड़ा मतलब बेनिफिशियल काम होगा, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है और इस फिल्म का चलना बहुत ही जरूरी है। तो मेकर्स हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि फिल्म को किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। विशेषकर जो बॉलीवुड की फिल्में होती है वो साउथ में ज्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाती है, तो साउथ में फिल्म किस प्रकार से अच्छा करे इसके लिए मेकर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं और शायद ये जो प्रयास है वो रंग लाता हुआ अभी नजर आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको ये सब जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, तथा आपको फिल्म ब्रह्मास्त्र से कितनी उम्मीदें हैं तथा आप इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।